अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं बिलाल शेख और वेलकम करता हूं आपका बजीज इन्फो पे। और साथ में उम्मीद भी रखता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और अपने बर्ड्स का भी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कॉकटेल की सॉफ्ट फूड पे है। बहुत से लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की कि आप कॉकटेल पे भी वीडियो बनाएं, तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था जिसकी वजह से मैं कॉकटेल पे वीडियो नहीं बना सका। इंशाल्लाह कॉकटेल पे भी बनाऊंगा और लव बर्ड्स पे भी बनाऊंगा, सब पे मिक्स वीडियोस बनाऊंगा। तो कॉकटेल की बात करते हैं, इसके सॉफ्ट फूड की। कॉकटेल का जो सॉफ्ट फूड है, जो इसका मतलब जिससे ये अच्छी ब्रीड करते हैं, बेस्ट ब्रीडिंग जो इसका सॉफ्ट फूड है, उसमें आपके आते हैं काले चने। ठीक है जी। अब काले चने आपने क्या, मैंने जब फर्स्ट टाइम दिए थे तो मैंने वो रात को इसी तरह से पानी में रख दिए और सुबह जब देखा तो वो कोई इतने ख़ास सॉफ्ट नहीं हुए थे। तो कोशिश ये करें कि आप चनों को उबाल लें, ठीक है, और चनों को उबाल के जो है वो आपने इनको सर्व करना है। ये चने जब आपने उबालने हैं तो उबालने इस तरह से हैं कि आपने मतलब पर पेयर जो है, पर पेयर तकरीबन 8 से 10 दाने, ज़्यादा नहीं देने, 8 से 10 दाने देने, और वो आपने वीक में 1 या 2 बार देने हैं, इससे ज़्यादा नहीं देने। तो इससे ये इसमें बड़ी ताकत होती है और बड़ी बहुत ही ज़बरदस्त जो है ये ब्रीड करते हैं। अब मेरे जो कॉकटेल्स हैं इनको मैंने अभी तक, अगर आप देखें तो मैंने कोई बॉक्स नहीं दिया, और ये जिस केज में मैंने रखा हुआ ये ब्रीडिंग केज नहीं है। इनको वैसे मैंने फ़्लाइट दी हुई है और अब मौसम चेंज हो रहा है, तो इंशाल्लाह जो है मैं इसकी ये इसको छोटे केज में रखूँगा जो इसका ब्रीडिंग केज होता है। वैसे तो मैं ये वाला पेयर सेल करने की सोच रहा था और दूसरा कोई पेयर लेना है, लेना चाह रहा था कोई इनो वगैरह का, लेकिन अभी तक मैंने इसको सेल नहीं किया है। तो ये इसको एक तो का अपने काले चने देने हैं और दूसरा जो इसका इसकी ब्रेड है, ब्रेड पे आप हल्का सा, अच्छा बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या हम अपने बर्ड्स को, यानी कि जैसे बजरीज हैं या लव बर्ड्स या कॉकटेल्स कोई भी, क्या हम उनको सॉफ्ट फूड दे सकते हैं, सॉरी सॉफ्ट फूड कह रहा हूँ, दूध दे सकते हैं। तो दूध आप बिल्कुल भी आपने नहीं देना, क्योंकि या डेयरी वाली कोई भी आइटम जो है वो आपने इनको नहीं देनी है, क्योंकि वो इनके लिए डेंजरस साबित हो सकती है वो, क्योंकि बहुत हैवी होती है जिसकी वजह से वो इनको मोशन लग सकते हैं और फिर इनकी डेथ भी हो सकती है इनका, यानी कि वो मेटा कबूल नहीं करेगा। बहुत से लोग देते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देते, बहुत से लोग देते हैं इनको, ये डेयरी वाली चीज़ें देते हैं, ये जो दूध वगैरह होता है, तो उनके जो बर्ड्स हैं उनको शुरू से वो थोड़ा थोड़ा दे के उनको आदत हुई होती है, लेकिन मोस्टली जब आप लाएँ तो इनको कोशिश करें कि वो इनको कोई भी दूध वाली चीज़ ना दें। हाँ, अगर आपने देना है तो जो ब्रेड होती है, ब्रेड के ऊपर हल्का सा दूध लगा के आप इनको दे सकते हैं, उसके उससे भी ये अच्छी ब्रीड करते हैं और इनकी हेल्थ भी बहुत ही अच्छी रहती है। अच्छा, ये उसके बाद आ जाते हैं कॉर्न्स। कॉर्न्स की बात करते हैं, आपने जब इनको कॉर्न देने हैं तो कॉर्न आप समझ लें कि इनको आधा देना है। अभी ये देखें, ये आपको सामने नज़र आ रहा होगा, मैं आपको फोकस करके दिखाता हूँ, ये मैंने इनको दिया हुआ है, ये भी आपने वीक में 1 या 2 बार दे दें, और जब इनके चिक्स हो जाएं तो आप बेशक रोज़ या एक दिन छोड़ के दे दें, वो चिक्स के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए। तो ये तीन चीज़ें जो हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त है इनके लिए। उसके अलावा आप जब इनको पालक या लहसुन दे सकते हैं, मेथी दे सकते हैं, और एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है सॉफ्ट फूड में, एग को बॉईल करके उसमें उसको मैश करके और उसमें ब्रेड या रस जो होता है उसको ड्राई करके, मतलब जब वो सख्त हो जाए, रस तो वैसे ही सख्त होता है, उसको ड्राई करके अगर ब्रेड आप देना चाहें तो उसको आप ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें, वो बिल्कुल पाउडर शेप में बन जाएगा, उसको आप एग में उसको मिक्स कर लें। और उसके बाद, अच्छा मैं पहले क्या करता था, मेरे ये जो बर्ड्स थे ये मतलब कॉकटेल सॉफ्ट फूड इस तरह से नहीं खाते थे, मतलब एग वगैरह, तो मैंने क्या किया, इनके दाने में मिक्स करना शुरू कर दिया काले चने, और ये उसके बाद इनको आदत सी हो गई और ये खाने लग गए। तो इस तरह से आप इनको दे सकते हैं और इनसे इस तरह आदत भी डाल सकते हैं। अगर ये फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम ये नहीं खाएं तो कोई मसला नहीं है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ज़रूर खाएंगे,
जब आप इनको ऑफ़र करते रहेंगे तो ये ज़रूर खाएंगे। मेरे जो ये रेड आइस वगैरह और ये सारे मतलब जो मेरे लव बर्ड्स हैं वो तो कॉर्न शुरू से ही खाते थे, रेड आइस वगैरह नहीं खाते थे। फिर पहले मैंने इनको दाने निकाल के और एक छोटे से पॉट में डाल के देना शुरू किया, उसमें खाते थे। मतलब डायरेक्ट ये कॉर्न नहीं खाते थे और आहिस्ता आहिस्ता फिर ये डायरेक्ट कॉर्न भी खाने लगे। तो इस तरह से मैंने इन लोगों को कॉर्न की आदत डाली है। तो ये आदत इनको डल जाती है, सिर्फ बात देने की है। आप इनको कॉर्न दें, जो भी दें, साथ साथ इनको देते रहें, इंशाल्लाह ये जब दाना खाने के लिए नीचे आएंगे तो लाजमी उसमें देखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता फिर इनको आदत हो जाएगी। और इनका एक शेड्यूल बना लें, शेड्यूल बना लें इनका एक, कि इनको आपने एक टाइम रखना है कि जैसे कि आप सुबह कोई कॉलेज जाता है, कोई यूनिवर्सिटी जाता है, कोई ऑफिस जाता है, अपने कामों पर जाते हैं, तो अगर आपने सुबह एक टाइम रखा हुआ है कि हमने सुबह देना है तो इसको सुबह ही दें, ठीक है। जब आप उनको दोपहर या शाम को देंगे खा तो वो तब भी लेंगे, लेकिन इनको एक इंतज़ार रहेगा अपने शेड्यूल के मुताबिक। तो इस तरह से आपने इनको ये चार चीज़ें मस्ट हैं ये देनी है। बाकी सॉफ्ट फूड आप जो भी देना चाहें, चाहे लूसन या मेथी या पालक, वो आपकी मर्ज़ी है, वो भी अच्छा है, लेकिन ये जो है ये बेस्ट ब्रीडिंग सॉफ्ट फूड है। मैं आपको फिर एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, इसमें मैंने आपको बताया ब्रेड पे आप हल्का सा दूध लगा के दे सकते हैं, ठीक है, वो दें, कॉर्न्स दें और काले चने, और उसके अलावा जो है अंडा और ब्रेड मतलब बॉयल्ड एग मैश करके और अंदर जो उसकी ब्रेड है उसको ग्राइंड करके इस तरह से दें, तो इंशाल्लाह इनकी हेल्थ भी अच्छी होगी और ये अच्छी ब्रीड भी करेंगे। तो इनके साथ इस पे मैं इंशाल्लाह वीडियोस इस पे भी बनाता रहूँगा, इसके जेंडर पे और इसका इसकी ब्रीडिंग कैसे लेनी है कॉकटेल की, इसको मैं इंशाल्लाह ब्रीडिंग केज में शिफ्ट करूँगा ये पेयर, और कोशिश करूँगा एक और पेयर लूँ, तो इसके जेंडर पे भी बनाऊँगा। तो आप लोगों को इंशाल्लाह समझ आती रहेगी कि इसको क्या इसकी आगे ब्रीडिंग कैसे लेनी है और इसको फूड कैसे देना है। और इसकी मिक्स सीड जो है वो साथ ही रखें, वो वही है जो मैं बाकियों को देता हूँ, इसकी कोई स्पेशल नहीं होती है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि इसकी जो सीड है सीड मिक्स वो कॉकटेल की क्या है, तो कॉकटेल की कोई स्पेशल सीड मिक्स नहीं है, कॉकटेल की भी मैं वही देता हूँ जो रेड आइस को, बजरीज को या लव बर्ड्स को देता हूँ, सबकी मैंने सेम रखी हुई है और सबको मैं सेम सीड मिक्स देता हूँ, किसी की भी अलग नहीं रखी हुई। तो इसलिए इस बारे में घबराने की ज़रूरत नहीं है कि सीड मिक्स जो है इसकी स्पेशल क्या होगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ लग गई होगी, अगर फिर भी कोई बात रह गई हो तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट्स में, क्योंकि अब मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर नहीं दे रहा हूँ क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया था, तो मैं वहाँ पे अब अपना नंबर नहीं देता हूँ। और जो लोग मेरे व्हाट्सएप पे हैं वो तो हैं ही हैं, और पिछली वीडियोज़ में किसी को नंबर मिल जाए तो एक अलग बात है, लेकिन अब फ़िलहाल मैं अभी अपना नंबर नहीं दे रहा हूँ। और व्हाट्सएप ग्रुप में भी काफ़ी रश हो गया है, बहुत से लोगों को पहले मैंने रिक्वेस्ट की थी कि वो आ जाए, कुछ आए कुछ नहीं आए, और जो अभी भी आना चाहे वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है कमेंट्स के थ्रू, और अगर उसको नंबर मिल जाए तो वेल एंड गुड। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और मेरे चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और लोगों को उनको ताकि फ़ायदा हो दूसरे लोगों को भी, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको इस सब की अच्छे से समझ लग गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।